स्टूडेंट, आप कैसे हैं? काफ़ी समय के बाद हम और आप एक वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। COVID-19 की वजह से आपको घर पर रहना पड़ रहा है और पिछले 2 साल से शायद 6th, 7th और 8th में आपने होम साइंस नहीं पढ़ी होगी। अब 9th क्लास है तो फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले समझिए कि गृह विज्ञान विषय है क्या। गृह विज्ञान विषय वह विज्ञान है जिससे बालिकाओं का सर्वोपरि विकास होता है। आज के समय में बालक और बालिका दोनों ही गृह विज्ञान को ले रहे हैं और इससे अच्छी से अच्छी जो प्राप्त कर रहे हैं। तो पहला सब लेसन है यहाँ पर गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। तो तत्व तो मैं बाद में बताऊंगी, परंतु आपको सबसे पहले बताना है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ है वह स्थान जहाँ आप रहते हैं और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान जिसके माध्यम से आपको एक घर चलाने के लिए व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। अब किसी भी विषय का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बिना परिभाषा के पूर्ण नहीं होता है। देखिए, आपको बता दिया कि दिल्ली के एमएन कॉलेज की गृह विज्ञान संस्था है। गृह विज्ञान की परिभाषा जो भी है ना वो इस प्रकार है, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययन करता हूँ, यानी आप सब जो गृह विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं के व्यवस्था पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने, सामाजिक और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। ये दिल्ली के लेडी एडमिन कॉलेज के संस्था के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि गृह विज्ञान के जैसे कि चैप्टर में लिखा हुआ है तत्व। तत्व क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आपके तत्व के बारे में बताया है। तो देखिए, अगर हम गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो उनके तत्व हैं, नंबर एक गृह विज्ञान साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, यानी गृह विज्ञान में साज सज्जा, हम अपने घर को किस प्रकार से सजाएं, किस तरीके से सामान को सेट करें और कैसे सुव्यवस्थित बनाएं। दूसरा है भोजन तथा शरीर पोषण। भोजन तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, जीवन चलाने के लिए शरीर को सुव्यवस्थित रखने के लिए भोजन करना पड़ता है, लेकिन गृह विज्ञान के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि किस समय कौन सा आहार देना चाहिए हमारे बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो इसके माध्यम से अगर हम भोजन बनाते हैं और देते हैं तो उनका शरीर है उसी प्रकार से वृद्धि होती है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जीवन की वह पूंजी है जो मनुष्य को बहुत समय तक निरोग बनाए रखती है। स्वास्थ्य अच्छा हो व्यक्ति का जीवन सफल रहता है और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी हमारी गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है कि हमें प्रतिदिन क्या क्रियाएँ करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रातःकालीन उठने के बाद हम सभी कार्यों को रिवर्ट करने के बाद व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम का अच्छा इसमें चैप्टर दे रखा है। भोजन हम किस प्रकार करें, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और रात्रि भोजन किस प्रकार से, सारा डिटेल में गृह विज्ञान में बता रखा है। चौथा है वस्त्र। वस्त्र मनुष्य का वह आभूषण या शरीर ढकने का एक है कि जिसके माध्यम से वह भिन्न भिन्न पोस्ट पर अपनी रूप को निखारता है। तो वस्त्र की समय समय पर किस प्रकार पहनना है, कैसे हम खरीदें, कौन सा वस्त्र खरीदें, सीजन के वस्त्र कैसे होना चाहिए, उनकी रखरखाव कैसे होना चाहिए, ये सब हमें कैप्टन के माध्यम से मिलता है। पांचवा है अर्थव्यवस्था। जीवन को चलाने के लिए सबसे मेन पूंजी है अर्थ, यानी धन। धन को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, हम अपने धन को किस तरीके से घर में खर्च करें जिससे कि हमारा बुढ़े घर का सही
परिचालन भी अच्छा हो सके और बचत भी हो सके। ये कोड आपके लिए विज्ञान में दे रखा है। छठा है शिशु पालन एवं बाल कल्याण। शिशु पालन, शिशु जो शिशु अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, वह बहुत असहाय अवस्था होती है। उसकी देख रेख हम कैसे करें, तो इसका ज्ञान सबसे पहले हम विद्यार्थी जीवन में ही प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आज की एक बालिका धन की गृहिणी, अच्छी गृहिणी होगी, तो वह शिशु ज्ञान पालन का ज्ञान कहाँ से सीखे, तो इसका चैप्टर भी हमें गृह विज्ञान के माध्यम से मिलता है। बाल कल्याण यानी बाल बच्चों का कल्याण, किस प्रकार कल्याण हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन गाइडलाइन किस अच्छी तरीके से देना हमारा कर्तव्य होता है। और जब हम शिक्षा के माध्यम से अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, तब बाल कल्याण संभव हो सकता है। सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान, एक कुशल गृहिणी के लिए समाज में अच्छी अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। और गृह विज्ञान के अध्ययन से वो परिवार को इतना अच्छा बना सकती है, क्योंकि परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है। एक अच्छा परिवार ही अच्छे समाज को बनाने के लिए होता है, और एक एक परिवार से ही समाज बनता है। तो सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान, गृहिणी को अपने समाज के किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ये सारे बौद्धिक ज्ञान हमें गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैं आपको कम रिटेट में बात पूछूंगी। आप अपनी नाइक की नोटबुक बना लीजिए और राजीव प्रकाशन की ही बुक लीजिए। राजीव प्रकाशन।